subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube इंडिया चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूं और उन लोगों के लिए बात करने वाला हूं जो नशा नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर मैंने वीडियोज़ नशे के लिए बनाई हैं। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं। वैसे मैं बात उन बच्चों के लिए भी कर रहा हूं जो नशा करते हैं, बट मैं वैसे एग्जांपल को तो सभी के लिए बात कर रहा हूं। इस वीडियो के ज़रिए मैं सभी को बेनिफिट देना चाहता हूँ कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या देखा जाता है कि आजकल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ बड़े लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, मन नहीं लगता। अगर हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, कुछ देर बाद भूल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसे ही दो सॉल्यूशन और ऐसे ही दो कारण मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे के मुताबिक आपके ब्रेन की मेमोरी पहले के अकॉर्डिंग, अगर इस वीडियो को समझ लिया अच्छे तरीके से, तो पहले के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन की मेमोरी तेज हो सकती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कोई अगर मूवी देखते हैं, अपनी मनपसंद मूवी देखते हैं, और वो हमारे दिमाग के स्टोर में आके फीड हो जाती है। उसका एक एक कैरेक्टर, एक एक चैप्टर हमें याद रहता है। क्यों? अगर कैसा रहेगा कि आपकी हर फील्ड में, जिस फील्ड में आप माहिर हो, जिस तरह आप मूवी देखते हो, वो आपको पूरी की पूरी आपके दिमाग में उसकी स्टोरी फीड रहती है, तो कैसा रहेगा आपकी अगर हर फील्ड में यही सब होने लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, अपनी मनपसंद मूवी देखते हैं, तो उसका पूरा का पूरा स्टोरी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। या जब हम किसी एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलते हैं और उसके साथ हम एक सेल्फी ले लेते हैं, तो वो बात हमें सालों साल याद रहती है। या कोई ऐसा चेहरा जो हमें पसंद हो, वो हमारे आंखों के सामने एक बार आ जाए, तो वो भी हमें काफ़ी सालों तक, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है। यहाँ क्या होता है कि हमारा दिमाग हमारे साथ भेदभाव करता है। हम उसको जो याद कराना चाहते हैं वो उसको याद नहीं करता। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाती है। लेकिन अगर बात यहाँ करें पढ़ाई की, तो अगर हम कोई किताब लेके बैठते हैं या पढ़ते हैं, या बच्चे या बड़े, तो क्या कुछ टाइम तक वो याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। इसका मेन कारण जो है, आपका दिमाग आपके साथ भेदभाव कर रहा है, क्योंकि आप उसको जो याद करवाना चाहते हैं वो उसको भूल रहा है, और जो उसे पसंद है वो उसको याद कर रहा है। तो सारी बातों में एक चीज़ निकल कर आती है दोस्तों, इंटरेस्ट। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा दिमाग उसे बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी सीख लेता है उस चीज़ को। अब बात करें स्टडी में इंटरेस्ट कैसे लेकर आए, क्योंकि आज के टाइम में देखता हूँ मैं, ज़्यादातर बच्चों का मन नहीं लगता। तो दोस्तों, बच्चे या बड़े, सभी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आपको स्टडी में मन लगाना है, तो पहले आप अपनी लाइफ का एक गोल बनाएं। क्योंकि लाइफ में जब तक आपका गोल नहीं होगा, आप किसी काम में इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जब आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो आपकी लाइफ का गोल है और आपको इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर्स या इंजीनियर आपको पसंद है, आप भी बनना चाहते हो। तो जब आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको भी उसको पाने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी चल के आप डॉक्टर इंजीनियर्स बन सकते हो। तो आपका ऑटोमेटिकली मन ना पढ़ाई में लगना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़ निकल कर आती है विजुअल, यानी कि दृश्य।
पहले निकल कर आया जो पहला रीज़न था वो था इंटरेस्ट। पहला रीज़न जो निकला था हमारा वो था इंटरेस्ट। आप जितना इंटरेस्ट लेके कोई वर्क करते तो उसकी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं और याद क्यों रहती हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ सारी हमारी आँखों के सामने होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कुछ देर पहले आप सभी को कि किसी सेलिब्रिटी से मिलना या कोई हमने मूवी देखी तो हमारे दिमाग में फिट हो जाती क्यों, हमने वो देखी। उसी तरीके से आपको भी स्टडी के जो चैप्टर हैं वो अपने दिमाग में मूवी की तरह याद करने, उसका एक एक करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ले लो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, राजा महाराज की, टीपू सुल्तान, ऐसे अनेकों राजाओं की कहानियाँ हैं। उनके एक कैरेक्टर को, उनके एक वर्क को अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन कीजिए, समझिए, पिक्चर की तरह फीट कीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप यकीन मानना कुछ ही टाइम में आप स्टडी के एक एक चैप्टर को अपने दिमाग में यहाँ फीट करना शुरू कर देंगे। अब यही दो रीज़न, यही दो कारण थे जिसकी वजह से आप लोगों का स्टडी में मन नहीं लगता था। तो दोस्तों सारे सॉल्यूशन जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं, पहला इंटरेस्ट लेना है। आप कोई भी वर्क करते हैं इंटरेस्ट लेके कीजिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को विजुअलाइजेशन की तरह पीजिए, उसके एक एक कैरेक्टर को मूवी की तरह फील कीजिए, तो आपको पढ़ाई में भी आपका बहुत जल्दी मन लगेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में बताई गई मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेटिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.